नमस्ते दोस्तों, मैं सुजय आप सब लोगों को आपके अपने ही चैनल एस जे ड्रीम टीम पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूँ और आपको देने जा रहा हूँ एक ड्रीम टीम जिससे बहुत सारा पैसा अर्न कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का जो चौथा प्ले ऑफ मैच होने जा रहा है हांगकॉन्ग वर्सेस ओमेन के बीच, उस मैच के बारे में पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। तो दोनों टीम का जो कि पॉसिबल 11 या फिर जो पिच रिपोर्ट या फिर वेदर फोरकास्ट या फिर जो टॉप पिक जो कि ड्रीम इलेवन की तरफ से रहने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको देखे ही जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, साथ ही साथ एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ सब्सक्राइब करके नंबर सर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जैसे आपको मेरे चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ले चलता हूँ मेरे नोटपैड सेक्शन पर, जहाँ पर मैंने इस मैच के बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ था। चलिए आइए। तो दोस्तों, आप देख ही रहे जो कि मैं आ चुका हूँ मैं नोटपैड सेक्शन पे, यहाँ पर जो कि हांगकांग वर्सेस ओमेन के बीच जो कि प्ले लिफ प्ले ऑफ जो कि चार यहाँ पर टाइटल पे लिखा गया है। तो मैच डिटेल्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि ग्राउंड जो कि है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में मैच खेला जाएगा 30/10/19 जो कि आज के दिन ये मैच खेला जाएगा। रात 9 बजे से इंडियन टाइम अनुसार मैच स्टार्ट होगा और स्टार स्पोर्ट्स 3 में ये मैच लाइव होगा। चलिए, वेदर कंडीशन के बारे में यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, जो कि यहाँ पर कोई भी रेन का चांसेस नहीं है, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते, पिच रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पर जो कि बहुत ही बढ़िया बैटिंग सर्विस जो कि वेट कर रहा है अभी यहाँ पर जो कि दोनों टीमों के लिए। तो अच्छे बैटिंग कंडीशन यहाँ पर है, 160 का एवरेज माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कि एवरेज फास्ट इनिंग स्कोर जो कि 8 मैचेस अभी तक खेला गया है इस ग्राउंड में इस सीरीज़ में, तो उसके बदौलत यहाँ पर 156 है एवरेज स्कोर, और जो कि 2 बार जीती है चेजिंग टीम और पहले बैटिंग करने वाले टीम जो कि है चेजिंग करने वाली टीम जो कि है 6 बार हारा है। 2 बार जीता है, 6 बार हारा है, तो यहाँ पर पहले बैटिंग करना ही बहुत ही बढ़िया हो सकता है। तो यहाँ पर जो कि पॉसिबल 11 के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, जो कि हांगकांग का पॉसिबल 11 जो कि है यहाँ पर सबसे बढ़िया प्लेयर जो कि यहाँ पर निज़ाकत खान आईएस खान जो कि है कैप्टन करने वाला है, किंचित शाह बहुत ही बढ़िया प्लेयर, वकस बरकत बहुत ही बढ़िया, सिमनदीप सिंह स्कॉट मैकिंची जो कि विकेट कीपिंग करने वाले हैं, हारून अरशद नसरुल्ला राणा काइल क्रिस्टी ईशान खान एंड मोहम्मद गजनफर, ये सभी खेलने वाले जो कि यहाँ पर हांगकांग के लिए। और यहाँ पर जो कि उमन के जो कि पॉसिबल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, एक खबर अली जतेंद्र सिंह आकिब अलियाज जिसान मकसूद जो कि कैप्टनसी करने वाले अच्छे बॉलिंग करते, आमिर कलीम अच्छे ऑलराउंडर है, तो यहाँ पर जो कि सूरज कुमार विकेट कीपिंग करने वाले, खुर्रम नवाज संदीप कौर मोहम्मद नदीम बिलाल खान एंड फयाज भट्ट, ये सभी खेलने वाले। यहाँ पर जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन का जो सिलेक्शन करना चाहिए वो आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पर जो कैप्टन के सिलेक्शन के लिए आप खबर अली या फिर किंचित शाह या फिर अकीब इलियास, इन तीनों को आप चॉइस कर सकते हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए निज़ाकत खान बिलाल खान एंड आयाज खान, ये सभी को आप वाइस कैप्टनसी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट एडवर्टाइज के लिए आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जो कि कीपर स्कॉट मैकिंजी एंड सूरज कुमार आर बोथ अवेलेबल फॉर 8.5 क्रेडिट जो कि है, दोनों का ही 8.5 क्रेडिट है दोनों विकेट कीपर का, लेकिन स्कॉट मैकिंजी वुड बी द आइडियल ऑप्शन, स्कॉट मैकिंजी जो कि सबसे बढ़िया प्लेयर है इन दोनों में से। तो ये वाला चीज़ आप लोगों को बता दी, तो पूरा डिटेल्स मेरे हिसाब से आप लोगों को मैं दे चुका हूँ। तो चलिए अभी चलते मेरे ड्रीम इलेवन ऐप्स के अंदर, जहाँ पर मैं अभी टीम क्रिएट करने वाला हूँ, और आज आप लोगों के लिए एक खास चीज़ रखा हूँ जो कि 2 टीम में प्रोवाइड करूँगा, जो कि ग्रैंड लीग एंड स्मॉल लीग दोनों के लिए। तो चलिए आइए। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मैं ड्रीम इलेवन ऐप्स के अंदर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 या 2 जो कि 2 टीम मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो ये जो पहला नंबर है ये स्मॉल लीग के लिए, और जो ये दूसरा नंबर है ये वाला ग्रैंड लीग के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज दोनों टीम को आपके सामने रिवील करने वाला हूँ, तो चलिए बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। पहले टीम को आपको दिखाता हूँ, तो एडिट करते हैं यहाँ पर कौन सा टीम मैंने किया है, यहाँ पर जो कि एस मैकिंजी जो कि विकेट कीपिंग करने वाले हैं, मैंने इसको लिया सबसे बढ़िया प्लेयर है। साथ ही साथ जो कि यहाँ पर बैटिंग सेक्शन पे यहाँ पर मैंने निज़ाकत खान जय सिंह एंड एकीब इलियास, ये सभी को लिया है। ये तीनों प्लेयर के साथ ही मैं जाना चाहूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में आप देख रहे हैं किंचित शाह एजाज खान एंड खबर अली, ये तीनों को मैंने लिया है, और साथ ही साथ और एक प्लेयर जो कि आमिर कलीम, ये 4 प्लेयर मैंने लिया है। बॉलिंग सेक्शन पर यहाँ पर बिलाल खान और जो कि यहाँ पर और 2 प्लेयर जो कि है काइल क्रिस्टी एंड नदीम, ये तीनों को मैंने लिया। चलिए, ये वाला टीम सबसे बढ़िया होगा मेरे हिसाब से स्मॉल लीग के लिए। तो यहाँ का कैप्टन वाइस कैप्टन जो कि है खबर अली एंड जो कि किंचित शाह, ये दोनों को मैंने किया। तो चलिए अभी ग्रैंड लीग के टीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ। तो
तो जो कि यहाँ पर ग्रैंड लीग का टीम आप देख रहे हैं, तो ये वाला टीम का थोड़ा सा प्रीव्यू कर देते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर भी एस मैकेनी को मैंने विकेट कीपिंग हिसाब से लिया है, यहाँ पर जो कि है मैंने जे सिंह को मैंने नहीं लिया है, तो यहाँ पर जो कि निज़ाकत खान को लिया है, अकीब इलियास को दोनों टीमों में ही रखा है, और ईज अरशद ये तीनों को मैंने रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया हो सकता है ये वाला टीम आपके लिए ग्रैंड लीग में, हो सकता है कुछ अनबन हो जाता है तो ये वाला टीम आपको फाइट कराएगी। तो यहाँ पर जो कि ये ऑलराउंडर सेक्शन में किंचित सा पहले भी थे, लेकिन यहाँ पर जो एजाज खान था उसको मैंने छोड़ के यहाँ पर मकसूद को लिया है, क्योंकि पहले मैच में इसके पहले मैच में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस उनका नहीं था। खबर अली को भी मैंने रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पर अमेरिका लिम, ये चारों के साथ मैं जा रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों ही एकदम बेस्ट प्लेयर है, तो मेरे हिसाब से ये तीन को मैंने लगाया है। तो दोनों में से कुछ भी टीम आप लगा सकते हैं, दोनों ही टीम बढ़िया है, लेकिन ये वाला टीम ज़्यादा ग्रैंड लीग के लिए है, तो स्मॉल लीग अगर खेलते हैं तो ये वाले टीम के साथ ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ का जो कैप्टन वाइस कैप्टन है थोड़ा सा अलग किया, मैं यहाँ पर किंचित शाह को कैप्टन किया और खबर अली को मैंने वाइस कैप्टन किया। तो यहाँ पर जो कि आप देख ही रहे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं दोनों टीम का जो कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रीव्यू कर देता हूँ, स्मॉल लीग की टीम का ये वाला प्रीव्यू है, तो यहाँ पर आप देख ही रहे, पॉज करके देख सकते, और जो कि यहाँ पर ग्रैंड लीग का जो ये वाला टीम प्रीव्यू है। तो आप जानते हैं इसके बाद क्या करना है, ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलना, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब बटन पर अपने उंगलियों के निशान ज़रूर रख के जाना, इससे आपके भाई जो बहुत मेहनत करके ये वीडियो बजलाता है तो उनके लिए थोड़ा एप्रिसिएशन हो आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।